वृंदावन भारत की एक प्राचीन और आध्यात्मिक नगरी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन गुजारा था, राधा के साथ रास रचाया था, अपने साथी ग्वाल बालों के साथ यहाँ पे शैतानियाँ की थी, साथ ही साथ यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों राक्षसों का वध भी किया था। वृंदावन अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं। वृंदावन देश के लोगों के साथ साथ विदेशों से आने वाले भक्तों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। अगर आप भी भविष्य में वृंदावन आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको वृंदावन में उन जगह, उन साइट्स और उन मंदिरों को दिखाऊंगा कि अगर आप वृंदावन आते हैं और उन्हें देखने नहीं जाते हैं तो वृंदावन यात्रा आपकी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल से। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका द फेलो ट्रैवलर पर। मैं हूँ प्रमोद। आए हम आए हैं श्रीधाम वृंदावन में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है इस्कॉन टेम्पल, वृंदावन की मुख्य और प्रमुख साइट्स में से एक है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ ये मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं काफी अच्छी साफ सफाई है और व्यवस्था अच्छी है। एमपी तो भैया एमपी से है, घूमिए, हमारे मेहमान हैं, अच्छे से आपका स्वागत है। मिले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, वृंदावन के ज़्यादातर मंदिर दोपहर में बंद हो जाते हैं, इसलिए सुबह अपनी यात्रा पर निकलने की कोशिश करिए। इसलिए सबसे पहले हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल में, जो गर्मियों में सुबह लगभग 4 बजे ही खुल जाता है और आप यहां उसके बाद दर्शन करना शुरू कर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसकी स्थापना स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। समाधि के दर्शन करने के बाद दोस्तों, एक छोटी सी लाइन आपको लगानी पड़ेगी जिससे कि दर्शन आप आसानी से कर सकें। मंदिर में अंदर जाने के लिए ये लाइन लगाई जाती है, अन्यथा थोड़ी सी अव्यवस्थाएं फैल सकती हैं। मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं की फोटो उकेरी गई हैं, जो संगमरमर से बनी हुई हैं और काफ़ी लाजवाब और अच्छी लगती हैं। साथ ही साथ यहीं पर एक छोटी सी बुक स्टॉल भी है, जहाँ पर बहुत सी भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद किया गया है। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो उन किताबों को ले सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। मंदिर में जाने के बाद आप बहुत शांति से कृष्ण बलराम के, राधा रानी के साथ कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। प्रसाद सेक्शन में यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे और फ्री एक यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद मिलता है, टाइम लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद दिया है। दोस्तों, अब चलते हैं श्री पागल बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो इस्कॉन टेम्पल के पास में ही स्थित है। ये 6 आश्रम मनवाए हैं, 3 असम में हैं, 2 वृंदावन में हैं और 1 झारखंड में है। चलिए मंदिर के अंदर। पागल बाबा मंदिर 9 मंजिल बना हुआ है और नीचे की मंजिल पे ही राधा कृष्ण का सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर में पूरे दिन भजन कीर्तन होता रहता है। तो दोस्तों, ऊपर की तरफ चलते हैं और जैसे जैसे मंदिर होंगे उसमें आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोगों ने अपनी इच्छाएं या जो कोई मनोकामना है वो मांगने के लिए दीवारों पर लिख दी है। कहते हैं यहाँ पे सच्चे मन से जो कुछ भी मांगा जाता है बाबा उसको प्रदान करते हैं। यानी कि 9वीं मंजिल पे हूँ मैं। ये इतना ऊंचा है कि यहाँ से देखिए पूरा वृंदावन लगभग साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए लाजवाब। चलिए चलते हैं फिर नीचे। दोस्तों, अब पागल बाबा मंदिर से चलते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये भी वृंदावन रोड पे ही है और हम वृंदावन में अंदर जाके श्री बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। रास्ते में मिठाइयों की बहुत दुकानें पड़ेंगी, चाहें तो आप
वहां से पेड़े खरीद सकते हैं जो भगवान को अति प्रिय हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी बांके बिहारी मंदिर पे और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है इस गली में। चारों तरफ ऐसी भीड़ है, पीछे तक देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जय श्री राधे। दोस्तों मंदिर काफी प्राचीन बना हुआ है और इसमें प्रवेश के लिए कई एक गेट बने हुए हैं, तो आप कहीं से भी आएंगे मंदिर में प्रवेश आसानी से कर सकते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने की तो परमिशन नहीं होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में और कुछ विशेष आयोजनों पे वहां अंदर हम शूट कर सकते हैं। तो मंदिर में इसी तरीके का आयोजन किया गया और अंदर फूल बंगला बहुत अच्छी तरह सजाया गया। तो वृंदावन मंदिर में हमने बहुत अच्छे दर्शन किए ठाकुर जी के और अब यहाँ से चलेंगे आगे की तरफ और आपको राधा वल्लभ के दर्शन कराएंगे। राधा वल्लभ मंदिर को ही टेढ़े खंभे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। आप यहाँ पे चहलकदमी करके जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे निधिवन जाने के लिए चाहे तो आप बैटरी रिक्शा ले सकते हैं या फिर वृंदावन की कुंज गलियों में टहलते हुए भी आप निधिवन जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी निधिवन के अंदर और ये पीछे पूरा कॉरिडोर है निधिवन का ही, ये प्रवेश द्वार, चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों मैं हूँ अभी निधिवन के अंदर। आप ये देख सकते हैं ऊपर ये जाल सा बना रखा है इनने, यहाँ बंदरों का आतंक बहुत है, तो अपने मोबाइल चश्मा पर्स वगैरह बचा के रखें। और ये आप सामने देख रहे हैं पेड़ इतने, ये थोड़े से झुके हुए से ही हैं, ऐसा कहते हैं ब्रिज के अंदर सब लोग झुक के ही प्रणाम करते हैं कान्हा जी को, तो ये पेड़ भी उनको झुक के ही प्रणाम कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि रात को निधिवन के अंदर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और ये सारे के सारे पेड़ गोपियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वो उनके साथ रास्ते चाहते हैं। बहुत प्राचीन है, बहुत अच्छा है, चारों तरफ हरियाली है, अभी बरसात का मौसम अभी निकल के गया। दोस्तों ये है रास मंडल, यहाँ पे देखिए भक्त कितने उत्साह के साथ नृत्य कर रहे हैं। रास ये भगवान श्री कृष्ण रास रचाते थे, ऐसे ये लोग अपने मन में मान के उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। दोस्तों निधिवन एक ऐसी जगह है जहाँ पे रात को रुकने की परमिशन किसी को भी नहीं होती है। अगर गलती से भी कोई यहाँ पे रुक जाता है तो अंधा पैरा गूंगा और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो किसी को ये बता नहीं पाता है प्रभु यहाँ आए थे या नहीं आए थे, इसलिए निधिवन में रात को रुकने की किसी को परमिशन नहीं। ये दोस्तों ये समाधियाँ उन साधु संन्यासियों की हैं जिन्होंने यहाँ पे रुक के रात को भगवान के दर्शन किए और फिर वो परलोक को सिधार गए। निधिवन में दर्शन करने के बाद दोस्तों आप यमुना मैया के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं जो निधिवन के पास में ही बहती है। और अब यहां से चलेंगे हम लोग श्री रंगजी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अब आ गया हूं मैं श्री रंगजी मंदिर वृंदावन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये श्री रंगजी मंदिर, इसको सोने के खंभे वाला मंदिर भी बोलते हैं। उसमें एक पिलर है जिसपे सोने से शूटिंग हो रही है। मंदिर में दोस्तों जब आप प्रवेश करेंगे तो एक बहुत ही विशाल दरवाजा आपके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही आप मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे सामने आपको दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ एक गुंबद दिखाई देगा। यह इसकी खासियत कि मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ एक मंदिर बना हुआ है जो भगवान विष्णु का मंदिर है और वो सैन लीला में है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसके पिलर्स पर बहुत बेहतरीन नकाशी हो रही है। प्रत्येक पिलर्स पर किसी न किसी देवी देवता का चित्र उकेरा गया है। बहुत ही लाजवाब और प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे मुख्य मंदिर की तरफ, आपको लिए चलते हैं और मुख्य मंदिर में आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए मुख्य मंदिर में और आप मेरे सामने ये देख सकते हैं ये है सोने के खंभे वाला मंदिर। दोस्तों मैंने टिकट लिया है रंगजी मंदिर के अंदर जो शीश महल है उसमें जाने के लिए। ये है शीश महल, ये पूरा
पूरा शीशे का बना हुआ है चारों तरफ। शीश महल की टिकट सिर्फ 5 रुपए की है और जब आप शीश महल के अंदर जाएंगे तो शीशे की बेहतरीन कारीगरी इसमें आपको दिखाई देगी। 5 रुपए दे के आप शीश महल को जरूर देखने जाइए, ये मेरी रिकमेंडेशन है और आपको यहाँ पे एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा। साथ ही इस मंदिर के अंदर कई मूर्तियाँ भी हैं जो भगवान विष्णु की हैं, तो उनको देख के आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी। तो चलिए चलते हैं अब मुख्य मंदिर में और अब आपको उसके दर्शन कराते हैं। मुख्य मंदिर में दोस्तों मूर्तियां बहुत प्राचीन हैं, मंदिर भी बहुत प्राचीन है। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति हैं जिनको दक्षिण भारत में किसी अन्य नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर कोई भी सिला हुआ कपड़ा पहन के आप नहीं जा सकते, इसलिए केवल कपड़ा बांध के या बिना सिला हुआ धोती वगैरह पहन के ही दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर में बहुत अच्छा म्यूजिक बजता रहता है तो उसका आनंद भी आप जरूर उठाइए। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद लौट के आप प्रेम मंदिर की तरफ आ जाइए। प्रेम मंदिर के सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं तो आप वहां आके खाना वाना खा सकते हैं और दोपहर के टाइम पे आप थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। दोपहर के बाद जब 4 बजे के बाद थोड़े मंदिर खुलने लगेंगे तो सबसे पहले आप माँ वैष्णो देवी मंदिर में जाइए और वहाँ उसके दर्शन कीजिए। वहाँ बहुत अच्छी गुफा बनी हुई है और मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। वैष्णो देवी मंदिर के पास ही दोस्तों श्री प्रियकंत जो मंदिर भी है आप उसको भी देखने जा सकते हैं। पास में ही चंद्रोदय मंदिर है और उसको देखने भी जा सकते हैं। इन सब को देखने के बाद आप शाम को लौट आइए प्रेम मंदिर, क्योंकि वृंदावन का सबसे ज़्यादा आकर्षक जगह प्रेम मंदिर ही है। प्रेम मंदिर की शोभा रात को ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हम आपको रात को ही प्रेम मंदिर दिखाने लिए चलते हैं। प्रेम मंदिर के गेट के सामने ही आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आज भीड़ है। इतनी भीड़ को हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ भी हो सकती है, तो इसलिए आप अपना पर्स मोबाइल और सारी चीज़ें संभल के रखते हुए अंदर चलिए। अंदर जाके आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड की तरफ ही भगवान श्री कृष्ण की कालिया मर्दन करते हुए लीला दिखाई गई है। ये बहुत ही सुंदर और अनूठी दिखाई देती है और सामने ही आप देख सकते हैं वृंदावन का प्रसिद्ध और खूबसूरत प्रेम मंदिर। दोस्तों अभी हूँ मैं प्रेम मंदिर में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतनी ज्यादा भीड़ है, जैसी हमने कल्पना नहीं की थी कि इतनी भीड़ भी हो सकती है। प्रेम मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है दोस्तों, इसलिए हम आपको अंदर से तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बाहर से इसकी खूबसूरती को आपको दिखाएंगे। मंदिर में आने के बाद आप अंदर जाके कृपालु जी महाराज और राधा कृष्ण की सुंदर मूर्तियों के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद ही यहाँ शुरू होता है फेमस वाटर शो या लेजर शो। यह यहाँ का इकलौता ऐसा शो है जो केवल रात को ही होता है, तो आप यहाँ लगभग 8 बजे के करीब आएँ जिससे कि यहाँ पर आप वाटर शो को इंजॉय कर सकें और इसकी खूबसूरती को निहार सकें। बात करें दोस्तों वृंदावन आने की, तो साल भर आप कभी भी वृंदावन आ सकते हैं। आने के साधन की बात करें तो बस और ट्रेन किसी से भी आप मथुरा तक आ सकते हैं, मथुरा से ऑटो या टैक्सी बुक करके वृंदावन आ सकते हैं। रुकने की बात करें तो आप प्रेम मंदिर के आसपास ही वृंदावन में रूम लीजिए, क्योंकि प्रेम मंदिर दोस्तों सभी मंदिरों के सेंटर पॉइंट पर पड़ता है, तो आप आसानी से किसी भी मंदिर यहाँ से जा सकते हैं। बात करें होटल की, तो प्रेम मंदिर के आसपास बहुत से होटल बने हुए हैं जिनका पर डे का चार्ज 700 से 1000 के बीच में हो सकता है। तो वृंदावन घूमने के लिए मेरे हिसाब से 2 दिन सफिशियंट हैं। तो 2 दिन के खर्चे की बात करें दोस्तों, तो एक व्यक्ति 2 दिन में 2000 रुपये बहुत अच्छे से खा पी के खर्च कर पाएगा और यात्रा अपनी बहुत अच्छे से पूरी कर पाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो ऐसे ही फिर अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में
दोबारा मुलाकात होगी। कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा ना लिखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे।